कि सूर्य की पूजन नहीं, सूर्य में विराजमान जो चिन्मय है उनकी पूजन करते हैं। यही तो बात है, हम छिलके नहीं खाते हैं, लेकिन लोग छिलके को याद ज्यादा करते हैं, बाकी सब भूल जाते हैं। एक विचार करना, एक बात सोचना तुम लोग कि देखने वाले लोगों ने यही देखा कि सूर्य को नमस्कार कर रहे हैं। जितने भी चक्रवर्ती हुए हैं उन्होंने कभी सूर्य को नमस्कार नहीं किया। जो उनकी दृष्टि है, नजर है, आंख है, उसमें इतनी ताकत होती है कि निषदगिरी पर्वत के पास जब सूर्य होता है उसमें सबसे निकट होता मकर, तो उस मकर राशि पर जब सूर्य पहुंचता है तो उस समय चक्रवर्ती अपनी नजर से उस जिन बिंब को देख लेते, ऐसा कोण बनता है, और उस जिन बिंब को नमस्कार ही नहीं करते हैं, विशाल पूजन करते हैं, लाड़ू भी चढ़ाते हैं, फेनी भी चढ़ाते हैं, सब चढ़ाते हैं, लेकिन अपन क्या करते हैं, अपन तिल और गुड़ में लग जाते हैं, और तिल गुड़ में, तिल गुड़ घिया, गुड़ गुड़ माना बोला है, और इसी मगर एक बात फिर भी भूल जाते हैं, माझे स्वप्ति भांडू करू नका, तो भांडू जरूर करने लगते हैं। अब अपन क्षमा मांगते हैं तो भांडू को भूल जाओ, माझे स्वप्ति भांडू करू नका, कौनते प्रकार नहीं भांडू चे, भांडू नहीं करना। क्षमा वाणी आती तो अपन उस समय भी बोलते, दीपावली आती तो एक दूसरे के लिए अपन क्या देते हैं, श्रावण रक्षाबंधन आता है तो उस समय भी अपन। पर एक चीज है, मैं जब बचपन में था तो मेरी बहन से लड़ाई अक्सर प्राय रक्षाबंधन के दिन ही होती थी, जरूर होती थी। क्यों क्यों होती थी? क्योंकि अपन लोग जो है ना रक्षाबंधन को समझ ही नहीं पाए। सिर्फ रक्षा बंधन तो करते हैं पर रक्षा को भूल जाते हैं। इस बार अपन को तीर्थ रक्षा बंधन करना है। कौन सा रक्षा बंधन करना है? तीर्थ रक्षा बंधन करना, और पूरी भव्यता के साथ करना है। गड़ेकर सर ऐका तुम्हें काय, मी काय म्हटलो, तुम्हें ऐकला काय म्हटलो मी? या वर्षी रक्षाबंधन चे त्योहार थोड़ा सा अपन अजू करून काय, अजय कर काय, तीर्थ शब्द जोड़ून तीर्थ रक्षाबंधन चे संकल्प घेऊन रक्षाबंधन चे करा। तो अपन रक्षाबंधन के पर्व को तीर्थ रक्षा पर्व के संकल्प के रूप में मनाएंगे, और इसका प्रचार एक एक घर में जाकर के करेंगे। क्या है समझ में? दिलीप कुमार कड़मकर ऐकला का है? गोष्ट चांगली आए का है? जमली हो? तो अपन लोगों को एक सबसे पहले तीर्थ रक्षक क्यों? तीर्थ की शुरुआत केवल ज्ञान से होती है, और केवल ज्ञान का सूर्य ऐसा सूर्य है, अद्वितीय सूर्य है, जिस सूर्य के सामने सारे के सारे सूर्य फीके पड़ जाते हैं,
ये तो सूर्य अस्त हो जाएगा, ये तो सूर्य का ग्रहण पड़ जाएगा, इस सूर्य को बदल भी ला करके क्या कर देंगे, अपने अंदर ठक देंगे। लेकिन हमारा सूर्य ऐसा है जिसे ना कोई केवल ज्ञान के सूर्य के तीनों काम नहीं हुए। आओ हम केवल ज्ञान के सूर्य को नमस्कार ही नहीं करते, केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, नहीं है समझे? तो केवल ज्ञान रूपी सूर्य को हम नमस्कार करते, केवल ज्ञान रूपी सूर्य की भक्ति करते हैं, और जिस में केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है उस आत्मा के हम पीढ़ी दर पीढ़ी से भक्त बन जाते हैं।